टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो दोस्तों कमबैक ऐसा करो कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दो और यूट्यूब के सर्वर को क्रैश कर दो। लोगों की नजरें सिर्फ तुम्हारे ट्रेलर के व्यूज पर ही बनी रहें। सलमान खान ने अपने ट्रोलर्स और हेटर्स को टाइगर 3 के ट्रेलर के थ्रू बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि सलमान खान की मच अवेटेड मूवी टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पर ड्रॉप कर दिया गया है। वायर ऑफ यूनिवर्स की पहली मूवी पठान, जहां से वायर ऑफ यूनिवर्स शुरू हुआ था, उसने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को कायम किया था। लोगों का ऐसा कहना था कि इस मूवी का रिकॉर्ड इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। तो फाइनली दोस्तों सलमान खान अपनी मूवी टाइगर 3 लेकर आ चुके हैं, जिसने पठान का पहला रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। तो सलमान खान के फैंस का ऐसा कहना था कि पठान तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी टाइगर का तूफान आना बाकी है। दोस्तों जैसे ही टाइगर 3 का ट्रेलर ऑफिशियली यूट्यूब पर ड्रॉप हुआ, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, यूट्यूब का सर्वर क्रैश हो गया। इसके व्यूज काउंट रुक गए थे। ट्रेलर के ड्रॉप होने से पहले 1,00,000 की वॉचिंग आ रही थी, उसे लाइव वॉचिंग, और ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रही थी। और जैसा कि आप जानते होंगे हमारा तो काम ही है सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर ने कैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। टाइगर के ट्रेलर ने रिलीज होते ही 24 घंटे के अंदर 40 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज को क्रॉस कर दिया है। सोचिए दोस्तों जब ट्रेलर का ये क्रेज है, तो जब ये मूवी खुद ब खुद थिएटर्स में आ जाएगी, तो थिएटर कितनी आसानी से स्टेडियम में बदल जाएंगे। ट्रेलर के अंदर एक सीन बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, कैटरीना भाभी का, जी हां दोस्तों, फाइटिंग सीन। खैर दोस्तों इस बार जो टाइगर मूवी होने वाली वो काफी ज्यादा सीरियस टोन में होने वाली है, क्योंकि इस बार सलमान की फैमिली के ऊपर बात आ चुकी है। और सॉरी दोस्तों मैं आपको लाइक्स को बताना भूल गया, 24 घंटे के अंदर ट्रेलर को 41 मिलियन व्यूज मिले हैं, 41 मिलियन। और वहीं पर बात करें हम लाइक्स की, तो 1.5 मिलियन लाइक्स हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही गई है कि टाइगर इज ऑलवेज अ टाइगर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइगर 3 के अंदर पठान का भी कैमियो होने वाला है, जो कि 20 से 25 मिनट का सीन रहेगा। तो क्या मंजर होगा, क्या माहौल होगा थिएटर्स के अंदर, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और बात करें इसकी एडवांस बुकिंग की, तो इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही जल्द ओपन होने वाली है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रहा है कि क्या टाइगर 3 जो मूवी है वो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जो कि 2000 करोड़ के साथ बैठी हुई है। तो दोस्तों अगर बात करें पठान के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड की, तो वो तो टाइगर 3 बहुत ही आसानी से तोड़ देगी। तो इस दिवाली जो है वो टाइगर धमाका करने आ रहा है। तो दोस्तों एक बात कहनी तो बनती है कि बॉलीवुड की आन बान शान सलमान खान, जब भी इन्हें इतनी ज्यादा ऑरा वाली मूवीज मिलती हैं, तब तब ये बंदा स्क्रीन को फाड़ कर रख देता है। तो जो लोग कह रहे थे कि सलमान खान का अब कमबैक नहीं हो सकता, तो ट्रोलर्स और हेटर्स को यही जवाब था सलमान खान का, टाइगर जैसी मूवीज में जब सलमान खान हमें दिखाई देते हैं तो भाई जान लगते हैं। तो दोस्तों अपने भाई ट्रेंडी शिपा को सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे और जो चीजें इंटरेस्टिंग होती है, मिस्टीरियस थिंग्स, वो सारी की सारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नाम याद रखिए ट्रेंडी शिपा।